वेरी माइन्यूट, लेकिन वो एक 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 दिन बढ़ बढ़ के 3 साल हो गए और कंसिस्टेंटली जो बढ़ा है उसको उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंपाउंडिंग बेसिकली। वालेकुम एवरीबडी, कामरान हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच एवरीबडी हु गिव मी फीडबैक ऑन द लास्ट वीडियो, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। और रीडिंग के बेनिफिट्स को हम समझने के बाद आज मैं आपको एक बुक रिव्यू देना चाहूँगा, अपनी एक फेवरेट बुक और एक बहुत ही सेल्फ हेल्प बुक नेम्ड एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स का मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसके इम्पॉर्टेंट इनसाइट्स जो कि मैंने समझे हैं और जो कि मैंने अप्लाई किए हैं वो आपसे शेयर करूँ, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ इसके इनसाइट्स मिले और कुछ ना कुछ हेल्प हो। सो एक डिले आया है इसमें, प्रॉबेबली 10 to 12 days आफ्टर द फर्स्ट वीडियो आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। सो दोज ऑफ यू डोंट नो मी, माई नेम इज़ कामरान एज आई मैंशन अर्लियर। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई FSC। तो उसके बाद आपको पता है एक स्टेज आता है जहाँ पे आपको एडमिशन देखने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटीज हंट करने पड़ते हैं। सो इट इज़ अ क्रूशल फेज, येट मतलब एक बहुत ही क्या बोलूँ मैं इसको, नर्वस सा फेज होता है। सो इसी फेज़ में मैं आजकल चल रहा हूँ। सो इसमें मेरे लिए मुश्किल था कि मैं 1-2 दिन बाद वीडियो बनाऊँ, 3 दिन बाद। सो फिलहाल उस स्टेज से इंशाल्लाह सून वी विल निकल जाएंगे, फिर वी विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। बट राइट नाउ आई हैव यू नो ट्राई टू ब्रिंग द वीडियो ऑन टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। बुक को जेम्स क्लियर ने लिखा है और ये एक बहुत ही एक एप्लीकेबल बुक मैं बोलूँगा इसको, बिकॉज इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसा नहीं कि वो आप पे थोपी जा रही हैं, दे आर मोर लाइक एप्लीकेबल। सबसे पहले ये बुक का टाइटल, जो बुक नेम है, उससे ही आपको थोड़ा सा आइडिया होता होगा कि यार क्या हो सकता है इस बुक में। सो द बुक टाइटल एज यू सी इज एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक प्रॉबेबली केमिस्ट्री में आपने स्कूल में कॉलेज में पढ़ा होगा। सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच वी कैन नॉट इवन फील और सी इट, उसको कहते हैं एटम, कहते हैं एटम। सो इस जो बुक में जो एटम की, एटॉमिक की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी आदत, यानी हैबिट्स तो हैबिट्स हो गई, आदत जो आप डेली करते हैं मतलब विदाउट इवन थिंकिंग, लाइक इट्स इंस्टिंक्टिव। तो ऐसे आदत, ऐसी चीज़ें जो आप ऑटोमेटिकली करते हैं और आपको फील भी नहीं होता कि आप कर रहे हैं, और वो बहुत ही माइन्यूट हैं, वो इवन आप सेंस भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी चीज़ें, ऐसी आदत जो कि आप सेंस भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, तो इस तरह की आदत को कहते हैं एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये है कि हम अक्सर यही सोचते हैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, कोई यू नो ड्रामेटिक विक्ट्री के लिए हमें चाहिए ड्रामेटिक चेंजेस लाइफ में। सुबह बहुत यू नो 4 बजे उठो, फिर 10 घंटे पढ़ो और हार्ड वर्क एंड स्टफ। लेकिन जेम्स क्लियर एक लाइफ की एक अलग थीरी पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ दीज बिग चेंजेस, आप स्मॉल चेंजेस से, बिल्कुल छोटे छोटे चेंजेस से आप एक अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन द की इज़ कंसिस्टेंसी एंड पैशंस। गिव यू एन एग्जाम्पल, लास्ट वेकेशन पे जब मैं गाँव गया, तो जब मैं अपने चाचा लोगों के घर गया और वहाँ चाची से मिला, कज़न से मिला, सो मेजोरिटी ऑफ द पीपल लाइक वर लाइक अरे कितने बड़े हुए हो, कितने लंबे हुए हो, आवाज़ बदल गई है, यू नो बिल्कुल टेक्सचर जी सब कुछ बदल गया। देन आई वॉज लाइक वट आई मीन एवरीबडी यू नो बिकम्स, एवरीबडी ग्रोज, इसमें कोई मनाई बात थोड़ी है। लेकिन क्या आप फील कर सकते एग्जैक्टली हुआ क्या है? मैं गया था प्रॉब्ली 3 साल बाद गाँव, और उन्होंने मुझे 3 साल के गैप के बाद देखा था, लेकिन मैं खुद को हर रोज़ देखता था आईने में, खुद को फील करता था। तो अगर 1 मिलीमीटर का भी चेंज आ जाए मेरी हाइट में और थोड़ा सा भी मेरी आवाज़ बदल जाए, तो मुझे वो फील नहीं हो रहा था। इट वॉज एटॉमिक, इट वॉज वेरी माइन्यूट, लेकिन वो एक 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 दिन बढ़ बढ़ के 3 साल हो गए और कंसिस्टेंटली जो बढ़ा है उसको उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंपाउंडिंग बेसिकली। तो जो कंपाउंड होके एक रिजल्ट आया है, तो जो मेरे चाचा चाची थे उन्होंने वो कंपाउंडिंग वाला रिजल्ट देखा है, यार एंड में जो कामना इतना बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो मुझे वो फील नहीं हो रहा था। ठीक है, वो आई कुडंट इवन सेंस इट बिकॉज इट वॉज नॉर्मल फॉर मी, यार मैं वही हूँ, कामना वही है, बट फॉर देम इट वॉज अ मेजर चेंज।
तो आपने देखा कंपाउंडिंग का और कंसिस्टेंटली छोटे 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 चेंजेस का एक ड्रामेटिक रिजल्ट। सो ये प्रैक्टिकल आप एग्जाम्पल, आपके पास ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं ठीक है, तो जिसमें आपको स्मॉल चेंजेस बड़े रिजल्ट देते हैं, लेकिन देखिए इस कंसिस्टेंसी नॉट। जेम्स क्लियर यहाँ पे एक बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही क्रिटिकल एक मैथमेटिकल इक्वेशन कह सकते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं अगर आप अपनी लाइफ को 1% फॉर द टाइम स्पेन ऑफ 1 ईयर, 1% एक साल के लिए हर दिन आप बेटर करते जाते हैं, तो आप बाय द एंड ऑफ दैट ईयर 37 times बेटर होते हैं। लेकिन उसका जो उल्टा है, अगर आप 1% वर्स होते हैं, सो आप 0 के आसपास या फिर 0 point something, आपकी इतनी ग्रोथ कम हो जाती है। सो द थिंग इज स्मॉल चेंजेस, 1% चेंज ड्रामेटिक रिजल्ट्स, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन दिस बुक। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट ऑथर शेयर करते हैं बुक में, जो कि मुझे बहुत एक फैसिनेटिंग सा लगा, तो वो कहते हैं डोंट सेट गोल्स सेट हैबिट्स। या थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है बिकॉज हम बचपन से आते आ रहे ना कि हमने गोल ये अचीव करना है, हमने इतना पढ़ना है, इतना हमने सुबह एक्सरसाइज करनी है, और हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम नहीं कर पाते। यही प्रॉब्लम है, यही इशू। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेटिंग गोल्स सेट हैबिट्स। जो होते हैं आदत, ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह होते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है ऑब्वियसली, तो वो बजात खुद वो उसको कुछ नहीं आता, सो उसको नर्चर करते हैं हम, उसका उसकी देखभाल करते हैं आराम आराम से। सो जो लेट से बोलने की एग्जांपल लेते हैं, तो उसको प्रॉब्ली 3-4 साल तो मतलब प्रॉपर बोलने में लगते हैं एटलीस्ट। लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट करता है, तो वो ऐसा बोलता है कि वो उसके बाद किसी को बोलने ही नहीं देता। इससे ये एक रिलेट कर सकते हैं कि जो हैबिट होता है उसको सेट करने में शुरू में आपको टाइम लगेगा। हम अक्सर क्या सोच रहे होते हैं, लेट्स से अगर ये कोई ग्राफ है, तो हम हैबिट्स को अपनी लाइफ में इस तरह इमेजिन करते हैं कि वो जो हम स्टार्ट करेंगे तो वो इस तरह का एक लीनियर सा इम्प्रूवमेंट हमारी लाइफ में डालेगा। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा है, या फिर एक अनऑर्थोडॉक्स, उल्टा नहीं कह सकते, बिकॉज ये जो ग्राफ लेट्स से आपने देखा है, शुरू में जो होगा वो आपको बिल्कुल एक नहीं दिखेगा इम्प्रूवमेंट, छोटा 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 इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन अगर आप उसको एक कंसिस्टेंटली, अगर आप उसको टाइम दें उस हैबिट को कंसिस्टेंटली, ठीक है, एक और पीरियड ऑफ 3-4 महीने, वो डिपेंड करता है कैसा हैबिट है। लेट्स से आप 1 महीने के लिए कंसिस्टेंटली करते हैं बिना सोचे कि मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, करते जा रहे हैं, फिर उसके बाद एक ऐसी स्पीड पकड़ता है ना ये हैबिट कि आप उसको बिल्कुल भी रोक नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट सा बन जाता है। सो आपने जो देखा ये कर्व और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में एक छोटा सा एक एरिया है, इस एरिया को जेम्स क्लियर कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एग्जैक्टली, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें आपको एक प्रोग्रेस नहीं दिखता। तो प्रोग्रेस नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, अक्सर गिव अप कर देते हैं कि यार मुझसे नहीं हो रहा। और मेजोरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पे गिव अप करते हैं, और जो इम्प्रूव नहीं करने का ही मेन रीज़न है, शुरू का जो टाइम होता है उसमें उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो गिव अप करते हैं। अगेन, हमें रातों रात सब कुछ चाहिए, हमें ओवरनाइट सब कुछ चाहिए, लेकिन हैबिट्स की नर्चरिंग में पैशंस का बहुत एक बड़ा किरदार होता है। आपको शुरू में पैशेंटली बिल्कुल एक सब्र के साथ आपने उस हैबिट को नर्चर करना पड़ता है, आपको रोज़ टाइम देना पड़ता है। लेकिन एक दफ़ा जब आप वो जो स्पीड पकड़ता है ना, उसके बाद एक ऐसा ही बन जाता है इंस्टिंक्ट कि यार आप फिर ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसी साल की बात है, प्रॉबली लास्ट ईयर का, जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं यहाँ पे घर में आया, तब मुझे बाइक चलाना नहीं आता था, लाइक आई कुडंट राइड बाइक, तो कभी सीखा नहीं था, कभी शौक भी इतना नहीं था। लेकिन यहाँ आया तो घर पे अबू ने बाइक खरीदी थी, सो मैंने कहा यार घर पे बाइक है तो बंदा क्यों नहीं राइड करे। तो चुपचाप मैं उठाई बाइक, ठीक है, कॉलोनी में यहाँ वहाँ चलने लगा। तो शुरू में तो मैं बिल्कुल यू नो इम्बैलेंस, स्टार्ट करते ही आगे जाके बंद, और मुझे ब्रेक्स कैसे काम, मतलब पता नहीं था गियर क्या होता है और ये चीज़ें। लेकिन आराम 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 से, मतलब मैं 1 वीक गुजर गया और मैं मुझे लगा थोड़ा सा मैं चला रहा हूँ, ठीक है। फिर एक कज़न था, उसने थोड़ा सा पीछे से धक्का दिया, तो बेसिकली कहने का मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मैंने प्रॉबेबली इन अ मंथ मैं यहाँ से, एक मार्केट है वहाँ तक ईजिली जा रहा था। सो मैं आपको पावर ऑफ हैबिट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी प्रॉबेबली 11 months और 10 months हो चुके हैं, और मैं अभी बाइक चलाता हूँ, और मुझे नहीं पता चलता कि कब मैं घर पहुँचता हूँ, कब मैं मार्केट पहुँचता हूँ। वो इतना एक इंस्टिंक्ट सा बन गया है कि जो भी मोड़ आता है वहाँ पे मैं खुद यू नो
ऑटोमेटिकली मुड़ जाता है। जहाँ पे मुझे सामने कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो मैं वहीं पे मतलब ऑटोमेटिकली मतलब एक हैबिट सा बन गया है, एक पावर ऑफ हैबिट। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी आई होप सो कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल यू नो यू आप बाइक राइडर्स होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी इमेजिन करें अपना पहला टाइम जब आप क्यूरियस क्यूरियस थे कि यार मुझे कब बाइक सीखना। शुरू में जो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है उसमें आपने गिव अप नहीं किया होगा, क्योंकि बाइक चलाना किसी ऐसे हैबिट्स फॉर एग्जांपल आपको रीडिंग करना है तो आप वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में छोड़ देते हैं। लेकिन बाइक चलाने में क्या होता है, आप जो है आपको एक क्रेज़ होता है, तो आपने वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में नहीं गिव अप किया। उसके बाद अभी आप मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बाइक चलाते हैं, फिर गाड़ी की एग्जाम्पल ले किसी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पावर ऑफ हैबिट देखें, हैबिट कि वंस यू इस्टेब्लिश आई वंस यू गिव दैट पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद हैबिट ऐसे काम करता है कि आप हैरान रह जाते हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ हैबिट। बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि आप कैसे एक हैबिट को अपनी लाइफ में इंस्टिंक्ट करें या फिर इसको अपनाएं, और कैसे एक बैड हैबिट को अपनी लाइफ से निकाल फेंक सके। तो इसके लिए जेम्स क्लियर ने एक चार स्टेप्स का एक रूल बताया है। सो द रूल इज़ वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी एप्लीकेबल। स्टेप का जो फॉर्मूला है वो ये है कि जो भी हैबिट आप अपनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको सबसे पहले मेक इट ऑब्वियस, नंबर टू मेक इट ईजी, नंबर थ्री मेक इट सेटिस्फाइंग, एंड नंबर फोर मेक इट अट्रैक्टिव। तो जो नंबर वन पॉइंट है मेक इट ऑब्वियस, इसकी प्रैक्टिकल मैंने एग्जाम्पल प्रैक्टिकल अपने लाइफ में एक इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, एंड आई एम बीइंग सुपर ऑनेस्ट, ठीक है, इट्स नॉट समथिंग कि मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही। सो अक्सर आपने यू नो पानी का सुबह उठ के पानी पीने का एक सपने सुना होगा कि यार अच्छा होता है, मैंने बहुत सुना था ये, और मैं चाह रहा था कि ये मैं यू नो अपनाऊँ कि मैं हर रोज़ 2 गिलास पानी पी लूँ सुबह उठ के। लेकिन जब अगेन गोल सेट किया कि वो मैंने पीना है तो फिर मैं नहीं कर पाया। सो जब ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया तो मैंने एक पानी की बोतल अपने शाम को ही पानी की बोतल प्लस ग्लास क्या किया मैंने बिल्कुल अपने साइड में रखा, ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो जब सुबह उठते ही ना मेरी नज़र पहली पड़ती थी वहाँ उस बोतल पे। सो आई मेड इट ऑब्वियस, और अब यकीन करें मेरा दिन शुरू होता है पानी से। इधर है अभी भी, लाइक ग्लास भी है पानी भी है। सो जब तक मैं वो पानी नहीं पीता मैं मतलब मैं अजीब सा, मुझे एक हैवी सा बर्डन लगता है। सो अभी तो एक आदत बन चुकी है, प्रॉबेबली इट्स बीन 40+ डेज कि मैं ये करता आ रहा हूँ। अब तो खुद ही हो रहा है, अगेन वो जो फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, यू नो पहले मुश्किल होता है लेकिन फिर इजी पीजी है। तो नंबर टू मेक द हैबिट इजी। आप देखें कोई भी हैबिट आप अपनाना चाहते हैं उसको आसान बनाने की कोशिश करें जितना हो सके। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं। देखिए एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। तो हम आपने इजी आपने ऑब्वियस बनाया उस चीज़ को, अपने सामने रखा, विजुअलाइज अपने आसपास रखा। नंबर टू मेक इट इजी, लेट से आपको सुबह वॉक के लिए जाने का या फिर जॉगिंग करने का एक हैबिट डालना है, तो आप क्या करें रात को ही जॉगर्स और पानी की बोतल साइड पे रखें, तो सुबह उठते ही क्या करें पहला पहली नज़र आपकी वहाँ पड़ेगी। तो फिर यू नो यू हैव मेड इट इजी एंड ऑब्वियस, फिर अट्रैक्टिव बनाएं, ठीक है, उस हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर आप शुरू में बुक रीडिंग को अपनी एक आदत बनाना चाहते हैं तो शुरू में क्या करें, आप एक बड़ी सी बोरिंग सी बुक आप उठा के अपने पास रखते हैं तो फिर आपको पढ़ने का वो नहीं आता मज़ा। या करें शुरू में एक आप अच्छी सी बेशक कोई कॉमिक उठाएं, कोई अट्रैक्टिव बुक, हिस्ट्री बुक उठाएं जिसमें पिक्चर्स भी हों, तो आप इसको अट्रैक्टिव बनाएं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेक इट सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो इंसान का जो नेचर है, ह्यूमन नेचर, इज़ मोर लाइक यू नो इट वॉन्ट्स रिवॉर्ड, ठीक है। रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड तो मिलेगा ऑब्वियसली, अगर आप उस हैबिट को अपनाएंगे तो फिर एक आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन हमारा जो नेचर है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला है, मतलब हमें एक जल्दी से एक रिवॉर्ड चाहिए। सो वंस आप कोई हैबिट कंप्लीट करते हैं, खुद को जाके आईने में बोले यार यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग, खुद को कोई ट्रीट दें, कोई कोई कैंडी खा रहे हैं, ठीक है। सो मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट सेटिस्फाइंग। सो ये चार रूल्स आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी हैबिट को अपनी लाइफ में इंस्टिंक्ट करने के लिए। और अगर आप किसी आदत को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना चाहते हैं तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट करें, उसी आदत को मेक इट इनविजिबल, नंबर टू मेक इट हार्ड, नंबर थ्री मेक इट नॉट सेटिस्फाइंग, मेक इट नॉट नॉन अट्रैक्टिव और नॉट अट्रैक्टिव, डोंट नो व्हाट इज़ द वर्ड। सो बिल्कुल इसी चीज़ का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा। सो दैट वॉज प्रॉबेबली इट फ्रॉम दैट बुक रिव्यू। आई मीन आई हैवन्ट डन अ बुक रिव्यू बट दिस वॉज समथिंग फर्स्ट टाइम, और
ये जो पॉइंट्स है ये मैं समझा हूँ, ऑब्वियसली इस बुक में और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी नई चीज़ें भी हैं आपके लिए। सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू और सजेस्ट यू, आई डोंट नो व्हाट टू से, कि आप ये बुक लाजमी एक चेकआउट कर लें, बिकॉज इट वुड यू नो गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अगर आप कोई, ऑब्वियसली हम एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम बेटर, तो बेटर होने के लिए अच्छे हैबिट्स हमारे पास होने चाहिए। अगर आप स्ट्रगल करते हैं सुबह उठने में, या फिर आप डाइट अच्छी करने में, या फिर आप अपना सोशल मीडिया पे मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इसमें, तो ये तमाम जो भी अच्छी अच्छी बुरी बुरी आदत का एक आप कह सकें बेसिक फार्मूला इन्होंने बना के दिया है। ऑब्वियसली मैं कोई यहाँ पर गुरु नहीं बैठा हूँ कि मुझे सब कुछ, मैं परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट हूँ, नोप। मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी खुद पे काम कर रहा हूँ, चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने इस बुक से उठाया है, तो आई ट्राई टू शेयर इट विथ यू। आई होप कि थोड़ी बहुत समझ आई होगी। सो विद दैट सेट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होपफुली वी विल मीट सून। दिस इज कामरान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।